बारिश में जा रहा हूँ, काफी फिसलन भरा रास्ता है और मुझे नीचे जाना है और मेरा कैमरा मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और भाई मैं जा रहा हूँ कैमरा यूज नहीं, पकड़ भाई, हेल्प प्लीज, फंस गया हूँ मैं, सिट रे यार, प्लीज हेल्प, मैं फंस गया हूँ, रुक रुक एक मिनट में आ रहा हूँ, वीडियो बंद कर, मेरी हेल्प कर पहले। गाइस मैं लोकेश और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स बाय लॉग्स। सो गाइस आज की ब्लॉगिंग में हम आए हैं बहुत ही खतरनाक गुफा में, मैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जो है गुफा है तरफ, तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। और ये जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे, इस पहाड़ के ऊपर जो है गुफा है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अभी तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं यार, थक गया हूँ और अभी तो शुरू ही किया है चढ़ना, तब भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे भी घूमने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है, आप भी विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं तो अभी थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। अगर आप आए तो ध्यान रखें कि बुज़ुर्गों को लेकर ना आए, अगर बुज़ुर्गों को लेके आए तो अपने कंधे पे बिठा के लेके जाएं, क्योंकि वो नहीं चढ़ पाएंगे, काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे पहाड़। और ऊपर साइड आप जाएंगे उस खतरनाक गुफा में, तो वो जो गुफा है खतरनाक गुफा, वहाँ पे तो जो है बहुत ही पतरी पतरी दरारें हैं, और उस दरार में निकलने में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ अभी, और अभी तो इतनी सारी सीढ़ियाँ और चढ़नी हैं, हाँ चढ़ते हैं क्या। सो गाइस अभी आधी ऊपर चले थे और पूरा पसीने पसीने हो गया हूँ मैं, और थोड़ा सा ऊपर आया तो यहाँ पर मुझे इतना अच्छा सीन मिला कि पूरी थकान दूर हो गई है। और अब मैं और ऊपर जाने वाला हूँ, यहाँ से अभी आपको और थोड़ा सा रास्ता इधर बता देता हूँ, थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। तो नीचे कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आप लोग गुफा के अंदर मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पे बारिश के टाइम पे काफ़ी फिसलन हो जाती है और गिरने के और लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें वहाँ जाना है और ब्लॉग बनाना है, तो किसी भी कंडीशन में वहाँ जाएंगे और ब्लॉग बना के जो है लेके आएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और गाइस मैं ऊपर की तरफ आपको जो है नहीं कर, उल्टे चलते चलते वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा फिसलन भी है, तो हो सकता है मैं गिर जाऊँ। और मुझे मेरी टेंशन नहीं है, साथ में DSLR भी है और मेरा मोबाइल, जो दोनों मेरी जान से प्यारी चीज़ें हैं, तो मैं इन्हें खोना नहीं चाहता इसलिए। तो थोड़ा ऊपर और आए तो यहाँ पर जो है मंदिर नज़र आएगा आपको, और मंदिर के बाद में ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता और आगे जाएगा जहाँ गुफा तक ले जाता है पहाड़ के ऊपर, तो अभी वहाँ भी चलने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है, आप भी विजिट कर सकते हैं। और मैं इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आपको ये जगह ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, परमानेंट आप यहीं पर, परमानेंट पंडित जी यहीं पे रहते हैं, आप प्रसाद वगैरह यहीं पे चढ़वा सकते हैं और जो आप प्रसाद भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आरती वगैरह, आरती सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे, सुबह 6 बजे यहाँ पे आरती होती है और शाम को 7 बजे भी यहाँ पे जो है आरती होती है, तो आप उस टाइम पे आइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप आरती में शामिल हो पाएंगे। सो गाइस यहाँ हम एक्चुअली पिकनिक टाइप से आए थे, तो खाना भी घर से ही लेके आए थे, तो यहाँ पे आपको पराठे दिख जाएंगे और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी है और साथ में हरी मिर्च भी लाए थे और लहसुन की चटनी है। तो बाकी यहाँ पे ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो हमें पता था यहाँ पे बहुत अच्छा मज़ा आएगा खाने में भी, तो हमने सोचा क्यों ना घर से टिफ़िन लेकर चला जाए। सो गाइस यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर की तरफ, और आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही खतरनाक रास्ता है, अभी आप देखते जाइए, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको गुफा में दिखाना बहुत कुछ बाकी है। और यहाँ पे बारिश के दिनों में जो है ज़्यादातर यहाँ पे जो ऊपर जाने की परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन हमने बोला भाई काफ़ी दूर से आए हैं और हमें जो है ब्लॉग कंप्लीट करना है, तो ब्लॉग हमारा कंप्लीट करने का मकसद है पूरा, तो हमें ये ब्लॉग कंप्लीट करना है। और ओह यहाँ पे काफ़ी फिसलन है, तो
मैं भाई अब कैमरा आगे की तरफ कर रहा हूँ और आगे की तरफ देख के ही चलूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ और अभी गुफा की तरफ जाने वाला हूँ। मंदिर के बाद आपको ये रास्ता मिल जाता है, मंदिर घूमने के बाद इस रास्ते से आप जो है गुफा की तरफ जा सकते हैं। यहाँ आ गए हैं हम अब बहुत ऊपर पहाड़ की ओर, देख लीजिए नीचे कितना अच्छा व्यू लग रहा है और बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड। यहाँ पे जितनी भी थकान होती है पूरी ये व्यू देख के मिट जाती है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे तो इस सफ़र पे चल के। तो मैं और आगे जा रहा हूँ और जो है वीडियो कंप्लीट करने के लिए अब गुफा की तरफ जा रहा हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ से जाते हैं और गुफा में अंदर जाते हैं तो आपको डायरेक्ट नीचे पहुँच जाएंगे आप इस रास्ते से, आप वापस नहीं आएंगे। गुफा से जाते हैं तो ईजी होता है थोड़ा रास्ता, वैसे शॉर्टकट टाइप से है एक, तो आप गुफा से वहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ पहुँच जाएंगे। और मैं अगर यहाँ से रिटर्न जाऊँगा तो काफ़ी थक जाऊँगा, आपने खुद देखा होगा कितने सारे सीढ़ी चढ़ के आया हूँ ऊपर और कैसी जगह से आया हूँ। तो मैं तो गुफा ही लेना पसंद करूँगा और गुफा से ही जाऊँगा नीचे। तो गुफा की तलाश में मैं यहाँ पर आ रहा था, तो आप नीचे देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक खाई है इधर। तो हम यहीं थोड़ा सा आगे से पत्थर के नीचे से उतरेंगे और वो आप नीचे देख रहे होंगे वहाँ पे हम जाके निकलेंगे इस गुफा में से पूरे में से। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी गुफा में। तो यहाँ से इसका जो एंट्रेंस है यहाँ से इंटर करते हैं और आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। देख लीजिए कितना खतरनाक व्यू है। तो मैं उतर रहा हूँ नीचे, बाकी यहाँ पे कैमरा काम नहीं कर पाएगा। निकल के आ रहा है तो थोड़ा फंसता फंसाता हुआ। So guys, काफी डिफिकल्ट है यार यहाँ पे, लेकिन ये पेग है ये ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, बाकी अगर आप सिंगल पसली हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इन पार्ट। और अब हम जा रहे हैं मेन गुफा की तरफ और थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, लाइटिंग की वजह से व्यू नहीं दिख रहा है तो नीचे चलते हैं। भाई बहुत खतरनाक है, आए तो जरा संभल के चले क्योंकि बहुत ही खतरनाक है ये जगह भी। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल एक बार फिसलेंगे तो बिल्कुल नीचे जाएंगे। तो मैं तो पूरी सावधानी बरत रहा हूँ, आप भी पूरी सावधानी बरते हो, यहाँ पे जरा ध्यान रखें। और अब हम जाने वाले हैं बिया मेन गुफा में अंदर की तरफ और यहाँ पे काफ़ी जो है खतरनाक जो मुझे फीलिंग आ रही है, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, आप भी सुन पा रहे होंगे, सुनाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चमगादड़ भी हैं, मुझे डर लगता है एक्चुअल में चमगादड़ की पोटी से काफ़ी सारी जो है बीमारियाँ हो जाती हैं उसकी स्मेल से। अभी भैया ये देखिए यहाँ से घुसेंगे अंदर और ये देखिए पूरा खतरनाक नज़ारा है। तो यहाँ अंदर की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है तो फ्लैश लाइट जो है मुझे यूज़ करनी पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे ये चमगादड़ जो काफ़ी तेज़ी से उड़ रहे हैं, तो मैं तो भैया इनसे बच के ही जाने वाला हूँ और जल्दी से जल्दी ये जो है क्रॉस करने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैंने फ्लैश लाइट जो है ऑन कर दी थी ऊपर की साइड में, तो काफ़ी सारे चमगादड़ मेरे ऊपर झपट गए थे, तो मुझे उनसे बचने के लिए अब जो है फ्लैश लाइट यूज़ नहीं करनी है। अब जो बाकी का ये रास्ता आप देख रहे हैं नीचे तक का, ये सब मुझे बगैर फ्लैश लाइट के ही जाना होगा। और भाई बहुत डरावना सीन था, मैं डर गया था, वीडियो भी नहीं बना पाया उन चमगादड़ों की जो मेरे ऊपर झपटे थे। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे। गाइस बहुत ही यहाँ पे फिसलन भरा रास्ता है और पता नहीं वीडियो में मैं दिख पा रहा हूँ या नहीं, बस कैमरा हाथ में लेके खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं मैं कैसे चट्टानों के बीच में फंसा पड़ा हूँ, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है। और मैं आपको नीचे भी दिखा दूँ, आप देख लीजिए कैसा खतरनाक भयंकर रास्ता है। चलो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चलने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। गाइस ये मेरा फ्रेंड अभी नीचे जा रहा है क्योंकि मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा। गाइस मैं जा रहा हूँ, काफी फिसलन भरा रास्ता है और मुझे नीचे जाना है और मेरा कैमरा मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ कैमरा यूज नहीं। पकड़ भाई, हेल्प प्लीज, फंस गया हूँ मैं। सेट रे यार, प्लीज हेल्प, मैं फंस गया हूँ। रुक रुक एक मिनट, में वीडियो बंद कर, मेरी हेल्प कर पहले। तो गाइस बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस रहा मेरा तो यहाँ का, क्योंकि मैं ऊपर साइड में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जो है फंस चुका था। यह जो है गुफा का बाहर आने का रास्ता है, यहाँ से हम बाहर आए हैं और मैं ऊपर साइड बहुत बुरी तरह से फंस चुका था, पूरा जो है मेरी
हालत खराब हो गई थी वहाँ पे, तो ये मेरे तो गाइस वहाँ से जब हम निकले तो आपने मुझे, मैं फंस चुका था तो मेरे भाई ने पीछे से पैर वेर मारा मुझ में कंधे में, तो मैं बाहर आ गया निकल के अभी, और आधा ही रास्ता हमने पार किया था, आधा ब्लॉक जो है, आधा जो गुफा है वो हम आपको बता ही नहीं पाए। एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं फंस गया था बुरी तरह से, और चमगादड़ ने भी मुझ पे ही हमला किया, और फंस भी मैं वहाँ पे गया था बुरी तरह से, मेरे घुटने वगैरह फंस गए थे इधर, पैर वगैरह, और इधर आप बैक साइड देख सकते हैं पूरा, इधर से पैंट भी पूरा खराब हो चुका है यहाँ पे, और जो है मेरे शोल्डर्स में भी लगी थी, इसने जब शोल्डर्स में लात मारी जब जाके मैं वहाँ से बाहर निकल पाया था। और गाइस अब काफ़ी एडवेंचर रहा, बस ऐसा रहा कि यार कुछ ना कुछ नया किया है यहाँ पे आके, और भाई भी काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था कि कहीं मैं मर वर ना जाऊं, लेकिन भाई आप लोगों से बोल दूं मैं पहले, अगर आप यहाँ आते हो तो प्लीज प्लीज मोबाइल हाथ में ना रखना, अगर आप मोबाइल हाथ में रखते हो तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे गुफा से निकलना, बस आप हो सके तो मोबाइल जेब में ही रखना है। ओ हो सके तो गाइस मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप बैग तो लेके बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि बैग पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार, बैग वगैरह फंस जाते हैं, और मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ और मैं वहां पे फंस गया। वो तो भाई पहले आ चुका था तो उसे थोड़ा एक्सपीरियंस था किस तरफ गुफा की लड़क है, तो उसने उस तरफ मुझे धक्का दिया तो मैं वहां पे आके गिरा और बच गया। लेकिन गाइस मैं, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि लग गई कुछ भी हो गया, अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि मैं बीच गुफा में फंस गया और आधा सा गुफा आपको नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी गाइस, पर मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मैं बना नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एडवेंचर के लिए चलेंगे यार, बिल्कुल चलेंगे, जो होता है सही होता है, फंस गए फूस गए, जो हो गया, लेकिन एडवेंचर रुकना नहीं है अपनी लाइफ में, ऐसे एडवेंचर के लिए काफी चलते रहेंगे। और बियर ग्रिल्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पहाड़ वहाड़ पे घूमने आया था यार, उनके वीडियोस देख देख के ही मैं जो है आगे बढ़ता हूँ, और उनके वीडियोस मुझे पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ब्लॉग जो है आप सभी के लिए भी बनाया जाए। सो फाइनली अब हम निकल के यहाँ से चले जाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ऊपर पहाड़ से दिखाया था वो यही जगह है, और यहाँ से अब हम बाहर जहाँ जूते उतारे थे वहाँ चले जाते हैं, और जो हुआ सब ठीक हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरा तो लाइक कर दीजिएगा, ये हैंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में और तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस लोकेशन पे आना चाहते हैं तो लोकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ से आप जो है इस लोकेशन पे पहुँच जाइएगा, आप घूमने आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो बारिश के दिनों में आने का कम से कम सोचिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन रहेगा। थोड़ा सा जो बारिश का मौसम हो, जब ज़्यादा पानी नहीं गिरा हो तब आ सकते हैं, तो यहाँ पे फिसलन भी नहीं होगी और आप इजीली गुफा में भी घूम पाएंगे और आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा कर पाएंगे। सो गाइस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो बाय बाय।